अध्यात्म की चर्चा करने हमारे विश्व सनातन संस्था और हमारे अजय जी, उनके पूरे पदाधिकारी वॉलंटियर माताएं बैठी हुई सेवा के लिए, सभी लोग बैठे हैं, हम सबका स्वागत कर रहे हैं। आपने इतनी मशक्कत की, इतने मनोयोग के साथ में आप लोगों ने एक एक दिन ना रात करके एक दो महीने से तैयारी लगातार कर रहे हैं। किसी ने तन का सहयोग किया, किसी ने मन का, किसी ने धन का, जो जैसी सेवाओं से योग कर रहे हैं, हम आप सबका खूब खूब धन्यवाद दे रहे हैं। और 3 दिवस तक हम लोग मुझे चाय लिया अपना अपना ठंडे में गर्म में होती है। मैं कैमरा एकांत में लगाओ या पीछे सब लोग इसी शहर के हैं कि बाहर के भी? बाहर के। बाहर के शुद्ध भारत अभी वहां बोल रहे थे। कहाँ गए थे? मंदिर कौन से? गए मुरुगन स्वामी के मंदिर गए। मुरुगन स्वामी के मंदिर में हम अभी बोल रहे थे द्वितीय भारत है, दूसरा भारत है फिजी। अब सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने जो रामचरित मानस को जीवो, रामचरित मानस को जो हृदय में रखा, हनुमान जी के मंदिर, ध्वज पताका लहराना, और भी देशों में सब कुछ, और हर घर में रामायण है एक ही जगह, या तो मॉरिशस में, मॉरिशस में भी, या फिर अपने फिजी में। और जहां पर भी बिहार उत्तर प्रदेश के लोग, हम भी वहीं से लगे होते निश्चित है, क्योंकि रामगढ़ आप लोगों की बहुत करी, ये तो अद्भुत है। ये आप लोगों ने बड़ा अनूठा कार्य किया। अब एक दो चीजें बड़ी दिक्कत है, आप लोग यहाँ बैठे भी हैं, यहाँ के कुछ अभिभावक भी बैठे हुए हैं जिनके बच्चे बच्चियां हैं, हम यही प्रार्थना करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत है आपके बच्चे आपसे दूर ना हो जाए, क्योंकि यहाँ चीन का भी प्रभाव है, ऑस्ट्रेलिया का भी प्रभाव है, इंग्लैंड का भी प्रभाव है, बहुत से पाश्चात्य देशों का प्रभाव है। बस हमारी प्रार्थना है अपने बच्चों को अपनी संस्कृति देना, उनको एक गरीब भोजन मत देना, पर संस्कृति और संस्कार जरूर, क्योंकि भोजन के बिना तो आदमी जी लेगा, पर संस्कार के बिना तुम नहीं जी पाओगे, जीते जी मर जाओगे, तुम्हें इतना दुख होगा कि तुम मुर्दा चलते दिखाई पड़ोगे, और तुम अंदर ही अंदर इतने टूट चुके होगे। बहुत से माता पिता यहाँ भी टूटे, पाश्चात्य ने इतना प्रभाव करे, इसलिए हमारी प्रार्थना है तुम अपने बच्चों को अपनी रामचरित मानस जरूर, उनको अध्यात्म जरूर, हनुमान जी की भक्ति जरूर बता करके जाना। जिस प्रकार सब लोग अपनी अपनी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो इस्लाम धर्म के हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सब बढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारा उनसे ज्यादा धर्म है, तुम क्योंकि तुम उस देश से आए हो जिस देश में आदिकाल से सनातन धर्म का झंडा लगा है, तो तुम्हारा उनसे डबल गुना दायित्व है। तुम अपने बच्चों को भोजन दो या ना दो, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है छोटे छोटे बच्चों को सुबह और शाम अपनी सनातन संस्कृति से खुद भी 1 घंटा निकालो, अपने बच्चों से भी निकालो, परिणाम उनकी जो संपत्ति आई वो कभी तुम्हारे भारत को नहीं, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ आकर कितने कष्ट से, और तुमने कितने कष्ट से, ये तुम्हारे बच्चे नहीं समझते। तब तक बहुत नियम बदल जाएंगे, बहुत यहाँ के संविधान बदल, बहुत से नियम बदल जाएंगे, यहाँ के रूल्स बदल जाएंगे, बहुत सामान्य जीवन हो जाएगा, पर जो तुमने कष्ट सहा वो बच्चे नहीं समझ पाए। तुम्हारे पूर्वजों ने कितने कष्ट से, कितनी यातनाएं सही, क्या क्या नहीं सहा होगा यहाँ आकर, और विचित्र जगह पर एकांत में, और झूठ मूठ तरीके से ले आया गया,
झूठा बोल करके ले आया। तो यहाँ आकर के जब उन्होंने भारत छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, वो सोनी मिट्टी की खुशबू छोड़ी, वो गलियों का गलियारा छोड़ा, वो वहाँ की संस्कृति छोड़ी, वो अपने माता पिता भाई का आंचल छोड़ा, परिवार छोड़ा, यहाँ आकर के वो अपनी नीम की छांव छोड़ी, वो पीपल की छाया छोड़ी, वो कभी संगम चले जाना, कभी वृंदावन जाना, कभी अयोध्या की गलियों में जाना, उन्होंने कितनी यादें नहीं छोड़ी। लेकिन उनकी एक खूबसूरती थी, वो तुमको रामचरित मानस देना है। इतना सब कुछ यातनाएं सह करके वो आए इस देश में आकर के तुम्हारे बेटा या बेटी तुमको छोड़कर चले जाए, तुम्हारे रामचरित मानस को कपोल कल्पना हनुमान जी को झूठा बोले, तुम नहीं जी पाओ। इसलिए हमारी प्रार्थना है, हम आए ही इसीलिए, कथा तो बहाना है, चमत्कार और दरबार तो बहाना है, असलियत में हम चाहते हैं तुम्हारे बच्चे सदियों तक उनसे जुड़े। इसलिए आप लोग आज से ये प्रण लेकर के आप लोग यहाँ से जावे संस्कृति को एक घंटे सुबह या शाम बच्चों, बाकी निजी जीवन का तो लगा रहे। वो सच ये है, तुमने अगर भक्ति को पा लिया, तुमने अगर हनुमान जी को पा लिया, अगर तुमने हनुमान जी के को जीवन में उतार लिया, तो ये तय है कि तुम्हें किसी भी दरबार या किसी भी ज्योतिषाचार्य या किसी भी तंत्र मंत्र में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम घर बैठे बागेश्वर धाम की कृपा महसूस कर सकते हो, तुम घर बैठे बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा को महसूस कर सकते हो और अनुभव कर सकते हो। तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें ज्योतिषाचार्यों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। और याद रखना, कोई भी तांत्रिक मांत्रिक या कोई भी सिद्धि संपन्न व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में तब तक चमत्कार नहीं कर सकता जब तक तुम खुद नहीं चाहो। और तुम अगर खुद चाहो तो तुम्हें फिर किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे घर में ही बागेश्वर। और तुम अनेक अनुभव करो, इसके लिए तुम्हें जरूरी नहीं कि पर्चा तुम्हारा बने या तुम्हारे साथ चमत्कार हो या तुम्हारी बाप का नाम बताया जाए या तुम्हारी कांड बताया जाए कि तुम कितनी लुभाई रखते हो। जिन्हें भरोसा भगवान, जिन्हें भगवान का भरोसा कर, उनके लिए ये उपचार है। तुम तो जो हो अभी बैठे हो, अभी से सदा सदा के लिए हनुमान जी राज से प्रण लो। तुम्हारी एक बहुत विचित्र आदत है, दो चार दिन कोई भी बात तुम पर बुलाओ सारी होती तुम बदल जाओ। दो चार दिन शंकर जी चल शंकर जी, दो चार दिन जय अम्बे गौरी, सब कुछ छूट जाता है। इसलिए तुमको बहुत दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। तुम्हारे शरीर में दो लोग दो 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 सिर्फ सीख सकते हो, एक बाल एक नाखून, एक बाल एक नाखून, दोनों बड़े हटी हैं, बचपन से कट रहे पर हमेशा बड़े हो। दो जरा अनुभव करना, बचपन से मतलब जन्म लेने के ठीक कुछ दिनों बाद ही मताई बाप मुंडा करवाते, उसको हमारे भारतीय संस्कृति में मुंडन संस्कार कहते हैं। पर वो कितने खतरनाक है, वो कटते ही तुरंत फिर आ। विवाह में भी आपने देखा होगा, पता नहीं यहाँ क्या पद्धति आप लोगों ने बना रखी, नहीं हमारे भारत के विवाहों में जब किसी को दूल्हा बनाया जाता है तो उसके जब उसके दूल्हा के जब संस्कार चलते हैं, विवाह के जब कर्म कांड चलता है, उसमें एक कर्म का एक नियम आता है, नाखून कटना, नाखून कटता है, नायन आती है वो दूल्हे को और दुल्हन को, अलग अलग घरों में जब चलता है तो पैरों के और हाथों के नाखून काटते हैं, जिंदगी भर नाखून कट रहे हैं, कुछ लोग ब्लेड से काट रहे हैं, कुछ लोग को चला है, वो क्या बोलते हैं उसको, लाओ अंग्रेजी वाला मैन कटर, इतने भी काटे, कई लोग तो खाप तक ले जाते, अंदर से रक्त आ जाता, लेकिन नाखून से खून आ जाता। लेकिन इसके बाद भी ये लोग इतने खतरनाक हैं, कितने का दूसरे दिन के हमने बहुत से लोग देखे, अब आप ऐसा अनुभव करते पंडित जी के नहीं करते हैं, बहुत से लोग प्रतिदिन एवरीडे शेविंग करते हैं, एवरीडे छीन, अब फिर रात को आए क्या अद्भुत हट है, इतना गजब का हट है। और विज्ञान कहता है, साइंस कहता है कि मरने के बाद बॉडी के सभी फंक्शन खत्म हो जाते हैं पर बाल बढ़ना नहीं छूटे, साइंस कहता है बाल फिर भी बढ़ते हैं, कितना गजब का हट है कि मरने के बाद वो अपनी आदत नहीं छोड़ते। हम भी तुमसे यही कहना चाहते हैं, पते की है, जब तुम्हारे बाल मरने के बाद तक अपनी आदत नहीं छोड़ते तो तुम्हें भी भारत से एक आदत डाल लेनी चाहिए, रामचरितमानस, अपनी संस्कृति को बच्चों को देना नहीं छोड़ना चाहिए। वाह वाह।
नहीं त्यागना चाहिए। जब बाल आपके जो हैं वो आदत नहीं छोड़ रहे हो, तुम चार दिन में छोड़ देते, चार दिन में दुर्गा माता, चार दिन शंकर जी, चार दिन हनुमान जी, फिर नया भगवान ढूंढ लेते, फिर नए परमात्मा ढूंढ लेते, नया बाबा चाहिए, फिर वही तंत्र मंत्र मारण मोहन वसीकरण स्तंभन उच्चारण हमारी प्रार्थना है। दरबार एक अलग बहाना है, वो जरूरी भी, हनुमान जी की कृपा है, कोई बहाना नहीं, हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी खेल खेल रहे हैं, हनुमान जी की कृपा है, ना दरबार की चर्चा होती तो तुम थोड़ी आते, आते तो पर्चा के चक्कर में, हम यही प्रवचन सुनाते होते तो तुम थोड़ी आते, प्रवचन वाले तो तुमने कई बाबा निकाल दिए, तो आदि तो इस चक्कर में आएगा बाबा जानता है, और कुछ इस चक्कर में आएगा हमारे बाप का नाम बताए, मन की बात बताएगा, इसलिए तुम चले आए और हम अपनी मीठी गोली खिलाने, गोली बड़े काम की। तुम आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप फिजी में रहते हैं और आने वाले 500 सालों तक के लिए इस फिजी में व्यवस्था करके जाना, तो तुम्हारे सनातन संस्कृति का अस्तित्व मिटने ना। और कभी विचार करना आज से ठीक 50 साल पहले कितना अस्तित्व था और आज कितना बचा, आज कितना बचा, अभी विचार कर लीजिए इसके ठीक 40 साल बाद कितना बचे। इसलिए अभी समय है, अभी नहीं तो कभी, आप अभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। इसलिए धर्म ध्वज, हनुमान जी, रामचरित मानस और अजय जी की एक अद्भुत, अब हम बाकी घरों में नहीं गए, एक ही घर आए, आते ही हमारी संतुष्टि इस बात पे होगी, जैसे ही हम ऊपर चढ़े मंदिर में, मंदिर में भगवान मिल गए, राधा कृष्ण जी मिल गए, रामचरित मानस, हमने कहा लो हमारी यात्रा, खूब थके थे, 12 घंटे लगे आने में, पर अच्छा लगा बहुत, आपसे भी हमारी प्रार्थना है, 1 घंटा रोज आप बहुत व्यस्त रहते, सोने की तरह 30 मिनट का आप स्लॉट बुक कर लीजिए, एवरी डे आपके खाने का टाइमिंग है, आप खाते जरूर, कितना भी कुछ हो जाए खाते हो, घर में कोई मर जाए सुबह नहीं तो शाम खाते, खाना आप नहीं भूलते, भोजन आप करना नहीं भूलते, आप फिर भजन करना क्यों भूलते, भोजन करना नहीं भूलते, भोजन के लिए तो आप कितने भी बिजी रहो पर भोजन के लिए टाइम, जैसे भोजन के लिए किसी भी परिस्थिति में टाइम, भजन के लिए भी हर परिस्थिति में टाइम, किसी भी परिस्थिति में 30 मिनट, हम कहते हैं 1 घंटा 30 मिनट, 10 बातें रिपीट टू रिपीट करो, अपने बच्चों को समझाओ, माता पिता ही साथ, गुरु ही गोविंद, माता पिता ही भगवान है, गुरु ही गोविंद, तिलक लगाओ बेटे, प्रतिदिन रामचरित मानस पढ़ो, रामायण के आधार पर चलो, सत्य बोलो, मीठा बोलो, नाम जप करो, शिखा रखो, माला गले में डाल के रखो, ये आप रिपीट टू रिपीट जब बार बार प्रयास करें, एक देश का हमें नाम याद भी और बताना उचित नहीं, एक देश में लगभग 25 वर्ष तक नास्तिकता का प्रचार किया, 25 वर्ष, परिणाम ये निकला कि 25 वर्षों में वो वहां के लोग आस्तिक से नास्तिक, क्योंकि रिपीट टू रिपीट किया गया, जब 25 सालों में लगातार प्रचार से घनघोर आस्तिकों को घनघोर नास्तिक बनाया जा सकता है, तो आप भी अपने बच्चे को केवल 18 साल तक ये सनातन संस्कृति का प्रचार भरिएगा, आपका बच्चा कहीं पर भी रहेगा अपने संस्कार में, किसी भी परिस्थिति में रहेगा, आने वाली आपकी पीढ़ी सुरक्षित हो जाएगी और 500 साल तक सुरक्षित होगी, जब आपका बच्चा आध्यात्मिक होगा तो वो अपने बच्चों को भी आध्यात्मिक होगा, अब वो आध्यात्मिक बनाएंगे, आपके जो पूर्वजों का सपना जिसको लेकर वो यहाँ पे आ गए थे, उस सपने के बाद फिर जिन्होंने उन्होंने जब ये मंदिर ये परंपरा क्रम शुरू की होगी, तो एक सपने के साथ शुरू किया, हमारे बच्चे अपने भारत को, हमारे बच्चे हमारे आने वाली पीढ़िया रामचरित मानस को नाम बुलाए, क्यों रामायण इसीलिए तो बुलाए, भूलना है आपको भी ये कृपा करते करना है कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी अपनी संस्कृति को भूले, बस यही काम करना है, ये संकल्प लेकर के आज आपको जाना है, इसीलिए सब लोग आ गए, हम बागेश्वर बालाजी की भभूति भी लाए, सबको हम चाय पिए भभूति भी दे देते, कलकत्ता में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं, भारत गए कभी जी, नहीं इतने लोग गए, 2% पहली बार लगना, बुरी अम्मा जी आई
गुरु जी अपनी गुजराती अच्छी गुजराती बोली, उन्होंने कहा कि हम आपको आज कल हम आपको फाफड़ा खिलाना जी। हम भीड़ में थे, बहुत भीड़ की कथा, जा रहे थे गाड़ी में बैठ रहे थे हम, कहा बिल्कुल। भंडारी जो था बाबरची भोजन बनाने वाला, हमने उसको कहा दादा, क्या नाम था बाबू का, बद्री दादा, बद्री दादा बनते थे, हम कहा बद्री दादा खाने को यहाँ सबसे ज्यादा क्या लोकप्रिय है, गुलगुला मिला करके मीठा बनता हमारे यहाँ, मीठी फुलौरी भोजपुरी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड तीनों लगे हुए आसपास यहाँ पे। और क्या प्रसिद्ध है, अच्छा गुलाब जामुन, अच्छा जो लोग भारत गए नहीं उन्हें लगता नहीं भारत जाना चाहिए। आप लोग क्यों खड़े हैं, टीम बनाए हुए बैठ जाओ आसन ले, बहुत देर में बैठ जाओ, प्रिय लगती है हमारे गाँव में कहावत है माइकी का कुत्ता भी प्यारा लगता है। ये अन्नपूर्णा वाला क्या है भगवान, अन्नपूर्णा कमे, बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद, ताली बजा के इनको धन्यवाद। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे समग्र प्राण बल ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थे पार्वते, अन्नपूर्णा माता की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो अब दरबार की चर्चा वही होगी, एक दो लोग ऐसे हैं जिनकी एक एक मिनट में चर्चा करनी, क्रम ऐसा रहेगा यहाँ भगवती प्रणाम, यहाँ से ऐसे निकलते जाना ताकि औरों को भी आशीर्वाद मिल जाए, हम सामूहिक अर्जी शक्ति लगा देंगे, बागेश्वर बालाजी की सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, अब चिंता ना करो हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम आते ही रहेंगे। बहुत अच्छा लगा मेरा, बहुत प्रसन्नता हुई, मन बहुत हिला देते हैं कि सब अपने लोग हैं, अपना परिवार है, अपने देश के लोग हैं, इससे और ज्यादा मन की प्रसन्नता होती है और हृदय निश्चित रूप से लगने ही लगता है कि इतने दूर पर आप लोग रह रहे हैं और हमें तो और ज्यादा खुशी है कि चलो हनुमान जी ने हमें चुना, यहाँ खूब कथाएं होती हैं दीक्षा ली, हमें बताया बाद में नहीं, हमको अभी जस्ट बताया जब हम अभी गुरु जी को।
से हम आज्ञा ले रहे हैं, हम आज्ञा ले लेते हैं उनसे, हमने कहा हम आज्ञा ले रहे हैं फिजी जा रहे हैं, अरे हम हुआ शांति से आ रहे हैं, उन्होंने बताया कि हम हुआ है गुरु पूर्णिमा के रात को भी उनका अच्छा फोन गुरु जी दिया और भी समझाते रहते यहाँ कहाँ में प्रोग्राम हम सामने पर जी लगा देते हैं सबकी घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध करके ओम बागेश्वराय नमः ओम बागेश्वराय नमः का जाप प्रतिदिन आप कर सकते हो और अद्भुत ये मंत्र है सन्यासी बाबा की अद्भुत कृपा है जो भी अर्जी हो वो नारियल में बोल कर आप रख देना नियम का पालन शुरू कर देना पेशी तो बहुत दूर है आपके लिए वर्ष में एक बार या दो वर्ष में भी एक बार आप धाम की पेशी कर सकते क्योंकि ज्यादा दूर रहते हो एक वर्ष यानी एक साल दो वर्ष यानी दो साल में भी एक बार आप बागेश्वर धाम की पेशी कर सकते हो और बालाजी इतने में आपकी गाड़ी चालू करवा देंगे जैसे लगेगी बाकी दरबार की चर्चा और वो कब है दरबार मंगलवार अच्छा दिन आज मंगलवार है दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो हम सामूहिक कर दीजिए।